अखिल भारतीय वैश सम्मेलन की ओर से पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक स्थित आर्ट गैलरी में वैश समाज समागम समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वैश समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर आसीन अतिथियों के बीच कार्यक्रम के संयोजक प्रसिद्ध सर्जन भाजपा नेता डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने उन्हें सम्मानित किया। इससे पूर्व डॉक्टर दिलीप जायसवाल का आगमन के साथ बैंड धुन के बीच उनका भव्य स्वागत करते हुए मंच तक ले जाया गया। मौके पर मंचासीन अतिथियों में मुख्य रूप से मौजूद कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता भूमि सुधार मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को सम्मान देती है। भाजपा के सम्मान के कारण ही पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि समाज में एकता चाहते हैं तो संगठन के कार्य में समय दें, संगठन के लिए काम करें, इससे संगठन भी मजबूत होगी और आपस में एकता भी बनेगी। उन्होंने सबों को एकरूपता से काम करने पर जोर दिया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल को एक साथ दो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर उनका मान बढ़ाया है। इससे सिर्फ वैश्य समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के लोगों में खुशी की लहर है। सीमांचल के एक बेटे को मंत्री पद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मौके पर वैश्य सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने इस आयोजन उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए संगठन कार्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। समारोह में मुख्य रूप से सदर विधायक विजय खेमका, नगर निगम की उप महापौर पल्लवी गुप्ता, कटिहार MLC अशोक अग्रवाल, कटिहार चेयरमैन उषा अग्रवाल समेत कई नेता शामिल हुए। समारोह में न केवल पूर्णिया बल्कि प्रमंडल स्तर से वैश्य समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी ली। समारोह के मौके पर मंचासीन अतिथियों में मुख्य रूप से कार्यक्रम के सह संयोजक अरविंद कुमार उर्फ भोला शाह, सह संयोजक कौशल्या जायसवाल, वरिष्ठ सदस्य दिलीप कुमार दीपक, प्रमंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर OP शाह, जिलाध्यक्ष सुनील कुमार शाह, महिला जिला अध्यक्ष आरती जायसवाल, तारा शाह, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर अनुज आदि थे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में मंचासीन अतिथियों व संगठन के लोगों के साथ अतिथियों को सिर पर पगड़ी और पीला गमछा प्रदान कर सम्मानित किया गया। वैश्य में 56 उपजाति और उस आज वैश्य समागम का एक बैठक रखा था। इसका मतलब था कि ये समाज अपना जो है सभी वर्गों में जितने लेकर के अपनी भागीदारी निभाए इस बात और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग यहाँ पर आए और सब मिलकर समाज कैसे विकास करे, समाज में सभी लोग एक माला में, सभी जाति और धर्म के लोग एक माला में गिरो कर कैसे समाज को आगे ले जाए, इस बात की चर्चा हो। ये काफी अच्छा श्री अरुण शाह जी वो संदेश जो समाज को इतने जाति में नहीं बंटना है, सब समाज एक हो जाए, जाति सब खत्म हो जाए, एक हो जाए। मुखिया जी 56 जातियां हैं, सब मिलके एक वैश्य समाज बने और जो इसमें सब जो एक जाति बन के हम लोग जो सरकार चलिए बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।